राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है खाना। भाभी मैं ये क्या सुन रही हूँ कि अम्मा को 2 दिन से ढंग से खाना नहीं मिला, वो भूखी बैठी है। मेघना तन मनाते हुए संजना से फोन पर बोली, वैसे जिजी आपसे ये किसने कहा कि अम्मा भूखी बैठी है, जरूर अम्मा ने ही कहा होगा ना। संजना ने बड़ी मुश्किल से अपने शब्दों पर संयम रखते हुए कहा, जाहिर सी बात है जब कोई इंसान भूखा रहेगा तो अपने बच्चों से तो कहेगा ही, और किससे कहेगा। मेघना अभी भी गुस्से में लग रही थी, लेकिन जिजी उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया होगा कि मैं 2 दिन से भयंकर बुखार से तड़प रही हूँ और खाना गुड़िया बना रही है। एक बार भी अम्मा ने नहीं सोचा कि लाओ जरा बहू को देख लूँ कि क्या बात है, और उस पर आपसे चुंगली लगा दी। ये भी नहीं सोचा कि गुड़िया चाहे जैसा भी कच्चा पक्का बना तो रही है, कम से कम सबका पेट तो भर रही है। और वैसे तो अम्मा के जब कुछ पसंद का नहीं बनता तो रसोई में जाकर झटपट बना लेती है, लेकिन जब मेरी कुछ तबीयत खराब हो जाएगी तो रसोई में झांकने की भी जहमत नहीं उठाती। संजना से कमजोरी के मारे बोला नहीं जा रहा था, और उसको इस बात का बहुत ज्यादा रोना आ रहा था कि अम्मा ने उसका परसों से एक बार भी हाल चाल नहीं पूछा और उल्टे ननद रानी से नमक मिर्च लगाकर चुंगली कर दी। ऐसा नहीं है भाभी, इतना भी बुखार में व्यक्ति परेशान नहीं हो जाता कि सास को खाना बनाकर भी खिला ना सके। और वैसे भी मुझको अच्छी तरह से मालूम है कि आप अम्मा का कितना ख्याल रखती हो। मेघना उल्टा सीधा जो कुछ मन में आ रहा था बोले ही जा रही थी, जिजी वैसे तो मुझको आपको सफाई देने की कोई जरूरत ही नहीं, मुझको सब पता है कि आपसे ना जाने जो अम्मा हर छोटी छोटी बात की चुंगली करती रहती है और आप मेरे ऊपर गुस्सा करती रहती हैं, लेकिन मुझ पर हर बात का आरोप लगाने से पहले खुद पहले अपने दामन में झांक लीजिए। कैसे आपने अपनी सासू माँ को लड़ झगड़ कर अलग खाना बनाने पर विवश कर दिया, ये तो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, किसी ने मुझको बताया नहीं, ये तो आपको पता है ना। बेचारी इस उम्र में भी अपने और अंकल के लिए खाना बनाती है। मैं कम से कम अम्मा का उनके हिसाब से और कुछ नहीं करती, लेकिन उनको दोनों समय तो खाना देती हूँ, आप तो वो भी नहीं करती। अब संजना चुप न रह सकी, वो दिन याद आ गया उसको। वैसे तो उसको ये सब कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन एक दिन किसी काम से उसी शहर में मोहित के साथ गई थी तो वो मेघना के घर भी चली गई, और उसकी सास अपने कमरे में खाना बना रही थी। संजना से नहीं रहा गया और वो पूछ ही बैठी, जिजी आंटी अपने कमरे में खाना क्यों बना रही है। संजना ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अरे उनको हमारे हाथ का बनाया कुछ भी पसंद नहीं आता, जब देखो तब नुक्स निकालती रहती है, बस इसीलिए अपना मन पसंद बना रही है। एक बार तो मेघना सक पका ही गई, लेकिन जब संजना उनके पैर छूने उनके कमरे में गई तो संजना पूछ ही बैठी, आंटी आप यहाँ खाना क्यों बना रही हो। तो उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और बिलक उठी, बेटा किस्मत खोटी है जो इस उम्र में भी रोटी बना रही हूँ। सोचा था एक बेटा है तो क्या हुआ, कम से कम बुढ़ापे में पकी पकाई तो रोटी मिलेगी, लेकिन बहू कहती है कि मैं इन लोगों की तिमारदारी नहीं कर सकती। बेटा हम लोगों को बुढ़ापे की वजह से ज्यादा चटपटा तेल मसालेदार खाना हजम नहीं होता, बहू जानबूझकर वही बनाती है, और जब उसे सादा सीधा खाना बनाने को कहो तो गुस्साने लगती है कि मैं इन लोगों की वजह से 10-10 मील का खाना नहीं बना सकती, कभी दलिया तो कभी मूंग दाल की खिचड़ी, कभी मूंग की दाल, मुझसे नहीं बनेगा ये सब कुछ, हाथ पैर तो सलामत है खुद ही बना ले। बेटे ने तो मना किया, लेकिन घर की शांति के लिए उसको भी समझा दिया, बस अभी हाथ पैर चल रहे हैं तो अपने और तुम्हारे अंकल के लिए बना लेती हूँ, लेकिन बेटा बहू से ये मत कहना वरना तुम्हारे जाने के बाद बेमतलब का झगड़ेगी। बेचारी आंटी हाथ जोड़कर संजना से बोली, नहीं आंटी मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, आप प्लीज मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। संजना उनके जुड़े हुए हाथ नीचे करके बोली, और उसने मेघना से भी उस समय कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि
उसकी वजह से आंटी को कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन आज वो चुप नहीं रह सकी। जीजी एक बात बताऊँ ना कि आपके आपकी कोई ननद नहीं है, इसीलिए आप सुखी हो। संजना बोलते हाँफने लगी। जीजी अगर अपनी अम्मा की सेवा का इतना ही शौक है तो अपने साथ ले जाइए और खूब जी भर के सेवा कीजिए। सास की सेवा तो कर नहीं पाती, कम से कम अम्मा की ही सेवा कर लीजिए। इतना सुनते ही मेघना को तो जैसे सांप सूंघ गया और उसके मुंह से कुछ भी नहीं फूटा। और संजना ने भी आज अपने मन की बात कहना जरूरी समझा और फोन रख दिया। कम से कम आज के बाद ननद रानी हर बात के लिए तो कांटे नहीं चुभाएगी। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।